हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल गोभी आलू मटर की सब्जी, जो कि पार्टी की रेसिपी है। और हलवाई किस तरह से ये सब्जी बनाते हैं वही मैं आज आपको शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाया जाता है, गाँव में कैसे बनाते हैं हलवाई लोग इस सब्जी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे गोभी लिया हुआ है उसको फ्राई करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले ये यहाँ पे बैठ के फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद ज़्यादातर जो गोभी आलू लिया है उसको फ्राई करेंगे। और अच्छे से फ्राई किया है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, जो हलवाई लोग बनाते हैं। यहाँ पे पूरा साफ़ कर रहे हैं सब चीज़ें, और यहाँ पे आलू काट के उन्होंने पानी में डाल दिया है ताकि काला नहीं हो। तो यहाँ पे गोभी फ्राई करके निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एकदम रेड हो गया है। और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, तो एकदम हलवाई स्टाइल में बनाया है इन्होंने, तो बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे अब आलू को भी उन्होंने गोभी फ्राई कर लिया है, फिर उसके बाद आलू को भी फ्राई करेंगे। और तो इस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं इस सब्जी को। तो अभी इन्होंने और आलू जो बचे थे वो भी निकाल लिया है, और उसको भी उसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से, तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से कैसे बनाएंगे, बहुत टेस्टी बना था। तो आलू फ्राई करके भी रख लिया यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो अभी ये तड़का स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑयल डाला था, फिर यहाँ पे करी तेज़पत्ता, लाल मिर्च और तड़का दिया था, उसके बाद उसमें कटी प्याज डाला है। तो यहाँ से मेथड स्टार्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मस प्याज को भूना है, इधर आलू और गोभी को भी फ्राई करके रख लिया है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो अभी मटर को, अभी मसाले अच्छे से हो गए इसके अंदर, इन्होंने बहुत सारे मसाले डाले थे, गरम मसाला सब पीस के डाला था, और इधर टमाटर भी काट के रखा हुआ है बहुत सारा, और वो डाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मसाले को अच्छे से पका रहे हैं, इसमें गरम मसाला अच्छे से सब्जी मसाला सब डाला है, और एक बहुत अच्छा गरम मसाला पीसा था, बहुत सारे मसालों को मिला के जो गरम मसाला बनता है वो डाला है। तो सबसे पहले मसाले के साथ मटर को पका रहे हैं, क्योंकि गोभी और उसको तो फ्राई कर लिया है, तो वो तो अब मतलब अच्छे से हो गया है, और तो मटर कच्ची है तो उसको अच्छे से पहले पकाएंगे। जब मटर पूरी अच्छे से गल जाती है उसके बाद फिर वो जो गोभी फ्राई करके रखा है आलू को उसको डालेंगे, क्योंकि मटर जो है, अगर यहाँ पे अगर हम सफल की मटर लेते हैं तो हम साथ में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कच्ची मटर था तो उसको ऐसे लिया है उन्होंने। और ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अब वो आलू गोभी को भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था। और ये बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है, आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप बना सकते हैं, और बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि सभी पूरा मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं और सब्जी भी अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे लास्ट पे इन्होंने बहुत सारा कसूरी मेथी डाला था, तो ये मुझे थोड़ा अलग लगा, गोभी आलू के अंदर कसूरी मेथी, पर बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि लास्ट में कसूरी मेथी डाल के, और फिर बंद कर दिया था इन्होंने, आप देख सकते हैं बंद हो गया है। तो ये सब्जी का लुक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक कम था तो शायद डाला है, उसके बाद इन्होंने भगोने में निकाल लिया है। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी इस तरह से हलवाई स्टाइल गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हलवा स्टाइल आलू गोभी मटर की सब्जी रेडी हो गई है, और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।